जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी संजय पटेल ने लॉकडाउन के छठवें दिन भी बाहर से आ जा रहे लोगों के वाहनों में सैनिटाइजर से करवाया छिड़काव, जिससे कोरोना संकट से लोगों को बचाया जा सके। वहीं कोरोना आपदा के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेशवासियों को भी एहतियात बरतने के लिए कहा। उन्होंने ये भी बताया कि इस महामारी आपदा से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जनता को आपदा से घबराने की जरूरत नहीं है, हिम्मत से सामना करने की जरूरत है। आज लॉकडाउन के छठवें दिन भी पुलिस प्रशासन ने रसूलाबाद नगर वासियों को कोरोना आपदा से निपटने के लिए लाउड स्पीकर से ऐलान करवा कर जनता को साफ तौर पर कहा है कि लॉकडाउन के दौरान घरों में रहें, बाहर घूमते टहलते मिलने पर किसी भी हालत में कतई पक्षा नहीं जाएगा। साथ ही पुलिस प्रशासन ने बताया है प्रशासन द्वारा दिए गए समय पर ही खरीदारी की जा सकती है, अन्यथा लॉकडाउन के समय में पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर देहात से आफ्ताब वारसी की रिपोर्ट। देखिए, हमारे यहाँ पे स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। आप देख रहे हैं पुलिस की टीम लगी हुई है, यहाँ पे एक मेडिकल टीम लगी हुई है, यहाँ पे एक हमारी सैनिटाइजेशन टीम भी पूरी तरीके से तैनात है। कोई भी व्हीकल बाहर से आ रहे हैं तो उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं तो उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, चाहे सवारी वाहन हो या भार वाहन हो, सबको सैनिटाइज किया जा रहा है। कोशिश है कि जितना हम सब मिल के इस जो एक वैश्विक समस्या है इसका सामना कर सकें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, 1 मीटर से ज़्यादा की दूरी मेंटेन करें, हाथ धोते रहें अच्छे से, बस यही 2 उपाय हैं, और छुपाएं ना। अगर कहीं कोई समस्या शंका आती है तो जाके स्वास्थ्य विभाग को संपर्क करें या जिला प्रशासन द्वारा कंट्रोल नंबर जारी किए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, उन पर संपर्क करें। देखो, हमारी सैनिटाइजेशन टीम तो इस समय पूरा युद्ध स्तर पर हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं। दवा छिड़काव वाली मशीनें, टैंकर पिट्ठू वाली 20 मशीनें और फागिंग कम स्प्रे मशीन एक नई आई जो अभी देख रहे हैं चल रही है यहाँ पे, वो मशीन है। बाकी शाम टाइम फागिंग कराई जा रही, दिन में नालों में फागिंग कराई जा रही, दवा का छिड़काव प्रॉपर वेज कराया जा रहा है। सैनिटाइजेशन पूरी तरीके से और अच्छे से संतोषजनक तरीके से किया जा रहा है। एक चीज़ और हमने की, अपनी पानी की टंकियों पे डोजर सिस्टम लगवा दिए हमने, अब पानी के क्लोरीनीकरण के लिए। तो घरों में अब जो सप्लाई हो रही वो क्लोरीन युक्त वाटर जा रहा है, जो हाइपोक्लोराइड जो इसमें कारगर बताई जा रही कोरोना के लिए। हाँ, पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, बर्तन धुलने के लिए, पोछा लगाने के लिए वही हाइपोक्लोराइड युक्त पानी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि इससे सैनिटाइजेशन के लिए, घरों के अंदर के सैनिटाइजेशन के लिए बहुत मदद मिल रही है। ये चीज़